पांच उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाती हैं। मुट्ठी यानी एकता, एकता यानी ताकत, ताकत यानी सर्वश्रेष्ठ। यही हुआ जब झगड़िया का गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की पांचवी इकाई बना और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने श्रेष्ठता के नए सोपान रचने शुरू कर दिए। इससे पहले हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की पहचान थे इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स आईसीसी घाटसिला झारखंड, खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स केसीसी राजस्थान, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट एमसीसी मध्य प्रदेश और तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र टीसीपी। जीसीपी के साथ मिलकर एचसीएल ने काम करना शुरू किया तो एक सुखद संयोग था कि सरकार सबका साथ सबका विकास इस नारे को साकार करने में लगी थी। कंपनी ने विकास किया तो लोगों का विकास स्वाभाविक था। साल 2016-17 में 900 मजदूर इस संयंत्र से जुड़ गए और उनके परिवारों में एक नया उत्साह आ गया। पिछले 3 सालों में एचसीएल ने परस्पर विश्वास का एक नया मॉडल खड़ा कर दिया है। करीब 162 लाख रुपए खर्च करके लगभग 8,500 लोगों तक साफ पीने का पानी पहुंचाया गया। करीब 150 लाख रुपए हेल्थ केयर पर खर्च किया गया और लगभग 53,000 लोगों की जिंदगी में खुशहाली आई। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सीएसआर योजना की तरफ से एक तो ये लाइट है सौर ऊर्जा और एक सरकारी वो बोरिंग है। कंपनी की तरफ से 2,000 लीटर टंकी है पानी की और एक सामुदायिक भवन है पूरी समाज के लिए और भी आगे काम कंपनी करवा रही है हमारा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत करीब 300 लाख रुपए से ज्यादा लगाकर लगभग 2,250 टॉयलेट बनाए गए। स्कूलों में स्वच्छता अभियान हो, शिक्षा अभियान हो, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का कार्यक्रम हो, बेरोजगारों का कौशल विकास हो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने विश्वास का एक ऐसा वातावरण निर्मित किया कि लोगों को सरकार की उस बात पर यकीन हो चला कि जिसमें सरकार की भावना है कि साथ है, विश्वास है, तो हो रहा विकास है। हमें यहाँ पर स्किल इंडिया एससीएल केसीसी के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है। यहाँ पे हमें समय समय पे थ्योरी के अलावा हमें यहाँ पर जो प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं। प्रैक्टिकल जो बेसिकली होते हैं हमारे वो जो माइनिंग सर्वेयर जो हमारा मोटो है उसी को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। हमें यहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट वो सारे एससीएल के द्वारा यहाँ पर मुहैया कराए जा रहे हैं जिससे हम अपने क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ सकें। जो इसका मेन मोटो ये है कि जितने भी हजारों जो बेरोजगार हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाकर उन्हें अपने उनके पैरों पे खड़ा किया जा सके। अब देखिए ना, 574 लोगों में आत्मनिर्भर बनने के लिए अलग अलग स्किल्स की ट्रेनिंग दी गई थी जिसमें से 74 लोगों को तो नामी गिरामी कंपनियों ने हाथों हाथ नौकरी दे दी। 2020 के समय आते आते दुनिया में इतनी बड़ी मात्रा में वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, हम पूरी दुनिया को वर्कफोर्स सप्लाई कर पाए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बिल्डिंग और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की इस कहानी में बखूबी अपना किरदार निभा रहा है और इसमें उसके पांचों संयंत्र मुट्ठी की तरह तने हुए हैं और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की ताकत का प्रतीक बने हुए हैं।